भाई हर एक कंपनी मार्केटिंग कर रही है, फ्रेश फॉल से लेके बर्नर फिट से लेके टेक बर्नर सभी लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। भाई उनसे भी ज्यादा तगड़ी मार्केटिंग है मैकडॉनल्ड्स की, केएफसी की, और इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मतलब स्पेस से दिख रही चीज है। भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनर्जी से, क्योंकि भाई एनर्जी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। एनर्जी के नाम से आपको पता लग गया होगा, हम बात कर रहे हैं रेड बुल की, जो हम यूजुअली पीते हैं, बट हमको अवॉइड भी करना चाहिए क्योंकि ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता भाई। बट मैंने रेड बुल पी के 2 छक्के मारे थे भाई। रेड बुल ने बहुत ही ज्यादा प्रमोशन किया है, बोलते जमीन पे छोड़ो, आसमान में छोड़ो, स्पेस में तक आते प्रमोशन दिया भाई, इतना ज्यादा प्रमोशन। बट फिर भी मेरा तो फेवरेट आमरस है। और इस स्पेस की मार्केटिंग इवेंट की वजह से रेडबुल को 8 से 7 मिलियन लोगों तक का एंगेजिंग मिला था, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और इस इवेंट में काफी ज्यादा रिकॉर्ड भी बनाए गए थे फेलिक्स जी ने, नाम इनका आप यहाँ देख सकते हो, बहुत ज्यादा हार्ड है। बट हाँ, इन्होंने 4 रिकॉर्ड बनाए। भाई ये इवेंट ऐसा था, इन्होंने एक बलून लिया था, उसके थ्रू एक बंदे को स्पेस में पहुंचाया था, वो था 36,000 मीटर्स का। तो वो तो एक ऑलरेडी रिकॉर्ड बन गया है कि एक बलून पे इतने दूर आसमान में भेजना किसी को, और वहां से वो बंदा नीचे जंप मारता है, तो वो एक और रिकॉर्ड बन गया। और तीसरा रिकॉर्ड था कि जब वो जंप मारे थे तो उनकी स्पीड थी 69.0 mph। और चौथा था 5 मिनट 35 सेकंड तक ऊंचाई में रहना। और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी चीजें की हवा में, जैसे कि एक बार तो इन्होंने 2 प्लेन लेके गए और दोनों के पायलट को अदला बदली करवा दी भाई हवा में। इसके अलावा 1994 में रेडबुल ने सभी कचरों के डब्बों में अपने रेडबुल भर दिए थे, जिस वजह से बंदा सुबह उठ के थोड़ा फ्रेश होके कचरे के डब्बे में कचरा फेंकने जाता है, भाई उसको ऑलरेडी भरा हुआ कचरे का डब्बा दिखता है, उसमें रेडबुल भरा है। अब भाई नेक्स्ट है मुलायम चीजों की बात, जो की है सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे जोक्स के लिए तो लाइक बनता है भाई। माइक्रोसॉफ्ट का आपने नाम बहुत ज्यादा कम सुना होगा मार्केटिंग में, बट भाई उन्होंने भी बहुत ही तगड़ी मार्केटिंग करी है। अभी रिसेंटली विंडोज 11 आया था, तो उन्होंने बुर्ज खलीफा पे विंडोज 11 को प्रमोट किया था, और इस वजह से इस न्यूज को टाइम्स स्क्वायर पे भी पोस्ट करा गया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बुर्ज खलीफा के साथ इन्होंने पेट पूजा वाले पे भी प्रमोशन किया। एक माइकी लाइक्स बोल के आइसक्रीम की कंपनी है, उसमें इन्होंने अपना खुद का आइसक्रीम फ्लेवर इंट्रोड्यूस कर दिया ब्लूबेरी, और ये स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट ने फ्लेवर बनवाया था विंडोज 11 के प्रमोशन के लिए। भाई मैकडॉनल्ड हमेशा ही क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट में सबसे आगे रहा है। मुझे तो काफी ज्यादा फैसिनेट लगती है इनकी मार्केटिंग टेक्निक्स, जैसे कि इन्होंने क्रेयॉन से फ्रेंच फ्राइज बनाए, न्यूज़पेपर में फ्रेंच फ्राइज का बॉक्स बना दिया, कार की हेडलाइट यूज करके या फिर और कई सारी चीजें यूज कर करके मैकडॉनल्ड्स का लोगो बनाया भाई। और जब कोविड आया था तो इनके जो मैकडॉनल्ड्स के लोगो में 2 M थे, उन दोनों का M को इस लाइन को अलग कर दिया था क्योंकि कोविड था भाई। इन्होंने एक बार मलेशिया में फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखने वाले क्रॉस वॉक भी बनाए थे भाई। और भाई इन्होंने मेट्रो स्टेशन की जो सीढ़ियां रहती है वहां तक आकर मैकडी के लोगो लगा दिए, जब उतरते हैं तब देखने के लिए। मैकडी के बाद आते हैं भाई सी में, KFC। मैं वेजिटेरियन हूँ। KFC ने स्पेस में भी एडवर्टाइजिंग करी थी 2006 में। बेसिकली KFC ने इनके मतलब ये जो नाम लिखा है यहाँ पे बहुत टफ है यार, नहीं पढ़ना आ रहा, तो इनकी उन्होंने 87,500 square feet की एक फोटो बनाई थी, जो इतनी ज्यादा बड़ी थी स्पेस से भी आपको दिख रही थी भाई। इतनी ज्यादा तगड़ी एडवर्टाइजिंग KFC की, ऐसे लग रहा है वेज खा लूं। और भाई इसको आप गूगल मैप से भी देख सकते थे जब तक इसको हटाया नहीं गया था। भाई इसके अलावा भी KFC ने काफी ज्यादा मार्केटिंग करी, जैसे कि DC यूनिवर्स मूवी में किसी में जाना, 40 स्टोर्स में जो कि विंडो क्लीनिंग करते हैं उनको फ्री में KFC देना, भाई मैं भी विंडो क्लीन करता हूँ मुझे भी दे दो भाई। बाकी साथ में काफी सारी चीजें, जैसे जैगुआर ने एक ऐसी तगड़ी मार्केटिंग करी जिसकी वजह से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था भाई। जैगुआर ने एक बार हॉट व्हील्स ट्रैक पे एक के बाद एक लूप पे भाई इतनी ज्यादा गाड़ियां चला ली थी कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई। एक बार सैमसंग ने एप्पल के नॉच का मजाक उड़ाते हुए अपना एड बना लिया था, जिसमें सभी के सर पे ऐसे था मतलब भाई, वो भी काफी ज्यादा खतरनाक मार्केटिंग थी। आपने एक चीज नोटिस करी होगी एप्पल की, पहले मैकबुक्स में एप्पल का लोगो उल्टा आया करता था, और अब एप्पल का लोगो कुछ ऐसा आता है। इसका मतलब आप इस मैकबुक को ऐसे खोलोगे तो एप्पल का लोगो सीधा दिखना चाहिए। एक और तगड़ी मार्केटिंग जो बहुत ही ज्यादा डरावनी है, दुबई एक्सपो के पास के लिए बुर्ज खलीफा में मतलब सबसे बड़ी बिल्डिंग वर्ल्ड की, उसके ऊपर इन्होंने एक योगा इंस्ट्रक्टर थी उसको पूरा एयर होस्टेस के कपड़े पहना के ठहराया था। मतलब लाइक भाई मैंने पूरी वीडियो देखी, मेरी पहले ऊंचाई से इतनी ज्यादा डर लगता है भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इन्होंने वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग में गया और वहां भाई वो हंस रही है यार और तो भाई उसके ऊपर से एक और चीज बताऊं, उनके पीछे से फ्लाइट जा रही है, जो कि और ज्यादा डरावना लग रहा है। बट इन्होंने नाम बहुत ज्यादा इससे कमाया। ये मार्केटिंग करी गई थी दुबई के एक्सपोर्ट 2020 के लिए, बट भाई एक वाली मार्केटिंग है जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, ये हमारे रिपोर्टर तवा बाबू बताएंगे। बर्नर बिट्स का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है। अरे का इलायची होकर हर बार बिरयानी की तरह बीच में आ रहे हो? तो हमने हर एक बंदे से जाके पूछा, वो सभी लोग एक ही वर्ड बोल रहे हैं, सिर्फ बर्नर बिट्स। बर्नर बिट्स, बर्नर बिट्स, बर्नर बिट्स। तो जैसे आपने देखा बर्नर बिट्स के लोग कितने ज्यादा पागल हो चुके हैं, इनकी इनकी मार्केटिंग काफी ज्यादा तगड़ी हो चुकी है, इसलिए अब सब लोग बर्नर बिट्स बोल रहे हैं। अरे बंद करो यार, बंद करो। आइसन क्या होता है? आइसन करके जा रहा है कोई। मुझे तो इनकी एडवर्टाइजिंग टेक्निक काफी ज्यादा मार्केटिंग लगती है। सोशल डिस्टेंसिंग इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट एज फार एज यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप। अच्छा था अमल भाई ने बोला, अच्छा था मतलब अच्छा था, क्योंकि जो दुखती रख पे हाथ रखता है ना वही अच्छे जोक्स बनते हैं।
ऐसे जोकिंग क्लासेस के लिए बर्नर्ड को सब्सक्राइब करें। और लाइक कुछ लाइन नहीं है मेरे पास अब।